को पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण अहोभाग्यशाली कल्याण कामी मेरे देवियो बड़भागी गीता के पैरोकारो मेरे सजनों धार्मिक भाइयों आओ अपने मन को एकाग्र करें और आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। कितना प्रकृति का मुकाबला करके आते हो, प्रकृति आग उगल रही है, आप जरूर लाभ उठा के जाया करें। इन दिनों तो आप बड़ी कुर्बानी करके आते हैं। देखिए जो प्रसंग चला हुआ है, अब आप न बोलो बेटे, बिल्कुल चुपचाप। देखिए इतनी मेहरबानी कर दी, आपको एक एक पंखा दे दिया, चुपचाप बस ध्यान से बड़े प्रेम से प्रसंग है। विशेषताएं क्वालिफिकेशंस आप देख ही रही हैं, दीदी आप सब पढ़ी लिखी हैं, सब मेरे भाई पठित हैं, एजुकेटेड हैं। जब भी हमें कोई नौकरी चाहिए, ये नहीं कि उठाया कागज और टाइप कराया और दे दिया दफ्तर में, नहीं, हमें 10 बार देखना पड़ता है मैं क्वालिफाइड भी हूं कि नहीं। जिन्होंने वैकेंसी को भरना है यानी दरखास्त जिन्होंने जिनको चाहिए, उन्होंने ये भी लिखा है कि ये क्वालिफिकेशंस हो, बीए पास है, फर्स्ट बीएन बीए, 6 महीने का कम से कम तजर्बा, उम्र कम से कम 23-24 साल की। देखो ना क्वालिफिकेशन, जिसको हमें भाषा में कहेंगे विशेषताएं, ये मेरी विशेषताएं हैं जो फ्लुएंटली राष्ट्रभाषा बोल सकता हो, अच्छी तरह हिंदी में बोल सकता हो, अखीर में लिखा हुआ हिंदी का टाइपराइटर स्टेनो इन हिंदी। अब ये क्वालिफिकेशन है उसकी, ये पढ़ो आप पर अप्लाई होती है अगर नौकरी करनी है इस दफ्तर में, तो नहीं तो अप्लाई कहीं और कीजिए। हम कौन है, कल्याण कामी। व्यास जी कहती है जरूर कल्याण चाहो करो, लेकिन वेदर यू आर क्वालिफाइड है। एक बार तो मेरी बेटी हमारे रोंटे खड़े हो जाती है, हम क्वालिफाइड भी है कि नहीं, अर्थात हमारे में ये विशेषताएं हैं सचमुच दिलो जान से। सुनो मेरी बेटियों, सुनो अपने भगवान की, जो व्यास जी ने अपनी कलम से विस्तार कर दिया। भगवान के स्टैनो महर्षि वेद व्यास हैं, हमेशा बड़े आदमी का स्टैनो भी तो बड़ा होगा ना। बिल्कुल संपूर्ण कला वाले भगवान कृष्ण, जिनको हम पुरुषोत्तम कहते हैं, और फिर आगे लिखारी कौन है, महर्षि वेद व्यास। दोनों ही न भूतो न भविष्यति, ना पहले थे न आगे होंगे, क्या कमाल के इनके बोल है। तो हम अच्छी तरह देखा करें अपने आप को, हमारा ये पक्का इरादा है हमने अपना कल्याण करना है। या आने वाले जो भी मेरी बेटियां बैठी, जो मेरे सज्जन आए बैठे और जिनके कानों में मेरे भगवान जी की ये अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी जा रही है, मैंने अपना कल्याण करना है, ये तो पक्का इरादा। मर मिटूंगी मैं, लेकिन मैंने हटना नहीं। मैं दुनिया में आ गई हूँ, बड़ी विचित्र दुनिया है, विलक्षण दुनिया है, बात बात में बदलने वाली दुनिया है, बेवफा दुनिया है, कृतघन दुनिया है, मैंने इससे छुटकारा पा लेना है। शाबाश, मैंने निकल ही जाना है। एक जेलर कैदी को तंग कर रहा था, कहते आज जितना मारनी आज मार ले, क्यों, मैंने सूरज अस्त होने से पहले रिहा हो जाना है। वाह, हाँ, जो गालियां देनी नहीं मां बाप बहन भाई क्या जेले, मैंने निकल जाना है। कैसे, मेरी अब आज हो रही है, छुटकारा हो रहा है। तुझे कैसे पता लगा, ये पत्र आया मेरे पास, जो मारने मार ले, जो करने कर ले, गाली देनी दे ले, पक्का इरादा इसी तरह हो। वो तो एक
एक कारागार में कैदी था, हम एक बहुत बड़ी कारागार, संसार भी तो कारागार है, इसमें हम कैदी, हमने रिहा हो जाना थे। हाँ, उसको भी छुड़ाने वाले थे, कोई उसकी भी जमानत दे रहा था, हमारी जमानत भगवान का ज्ञान दे रहा है, हमारी जमानत तो छोटा मोटा आदमी नहीं है, भगवान का ज्ञान, आहा, भगवान के ज्ञान को ही कहती है हिंदुओं का ईमान, हमारा धर्म, हमारा ईमान, हमारा सर्वस्व, उसको फिर सार कर दिया, निचोड़ कह दिया, क्या जैसे कोई 10 किलो दूध हो उसका फिर निचोड़ किया, मक्खन उसको जामन लगा करके दही की शक्ल में रूपांतर किया, फिर बिलो करके मक्खन के पेड़ी निकाल लीजिए। इस तरह जो पंच रतन है हमारे वैदिक सनातन धर्म के, ये हमारे धर्म के पेड़े हैं, मक्खन के पेड़े, या इन अदर वर्ड्स आई कैन से ये क्रीम है, क्रीम ऑफ हिंदू धर्म। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द भी तो नहीं, एक जो है एप्रोप्रिएट वर्ड ही यही है, पंच रतन इज इक्वल टू क्या, क्रीम ऑफ हिंदू धर्म। और ये विशेषता है हम सारे में, एक एक मैं उस तरह के चमकनी चाहिए जैसे इधर रात्रि को उत्तर की ओर ध्रुव तारा चमकता है, और ये सारी रात्रि इधर ही रहेगा, बाकी तारे इधर उधर होते रहते हैं। अब सप्त तारे हैं जिनको सप्त ऋषि बोलते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर घूमते रहते हैं, लेकिन वारी ध्रुव तारे, ध्रुव में निश्चित या टिक गया, टिका रहा। शाबाश, आओ एक एक लगाओ एड़ी चोटी का जोर, लगाओ बेटना लू है जोर के, लगाइए जोर कि मैंने ये अपना लेना है, मेरे से ही पक्का इरादा कर लो। मैं बात बताऊं क्या, धीरे धीरे बताऊं, कोई नजर ना लगा दे क्या, भगवान की कसम, भगवान की कसम, क्या पक्के इरादे में भगवान खुद होते हैं। सच्चाई से काम कसम खाई अपने इष्ट देव की, मैंने पक्के इरादे में भगवान खुद हो जाती है, चाहे पक्का इरादा रजोगुनी हो, मैंने फलानी जगह डाका मार के छोड़ना, भगवान साथ हो जाएंगे, बच्चू मैं तेरे साथ हूं, फालतू भुगत ले, है शाबाश। अब हमारा रस सतोगुनी है, हमने जरूर कल्याण करना है, भगवान मैं तेरे साथ हूं, तमोगुनी गंदे गंदे इरादे, मैंने वादे की शादी जरूर कर लेनी है, भगवान कहते मैं तेरे साथ हूं, बाद में तू सजा पा ले। हर पक्के इरादे में देखना भगवान साथ देते हैं। हमारा तो इरादा क्या है, पाक साफ निर्मल कल्याणकारी, और खुद भगवान कहती है सुन अर्जुन मैं हूं ख्वाहिश इंसान की जो दुश्मन ना हो धर्म, ये देखिए भगवान का फरमान, अर्जुन जो शुद्ध पवित्र धार्मिक इच्छा होती है वो मेरी ही है, कितना अच्छा फरमान। तो ये तो मैं तो आपको बधाई दूं, पक्का इरादा करो कि मैंने इस जन्म में कल्याण करना है, लगा ले टिल्त प्रकृति, ऐ हालात जो मर्जी मुझे, जो मर्जी होते जाए, हालात प्रिय हो या अप्रिय, प्रेजेंट हो या अनप्रेजेंट, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, और हमने अपना कल्याण कर जाना है। शाबाश, ऐसा पक्का इरादा करो। वो देखो भगवान कह रहे नामेधाय का फरमान, जिन्होंने हम लोगों को उत्साह बढ़ाया हुआ है, उसे भी समझ ले कि साधु है वो कौन, इरादा में नेकी की यक्षु है जो, ऐसा पक्का इरादा कीजिए, आगे भगवान फिर हमारी पीठ ठोक रहे हैं, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूं दायमी पाएगा, बड़ी जल्दी वो अपनी उन्नति करने वाला है। अपने को देखो जरा, आपका इरादा पक्का है? हाँ बाबा झूठ, आपका इरादा पक्का है? हाँ, देखो बढ़ के बात कह रही है, फिर घबरा क्यों जाती है, घबरा भी जाती हूं, तो जिनकी इरादे पक्की होती वो तो घबराते नहीं, इरादे पक्के वालों की निशानी होती है वो अपने सर को हथेली पे रखते, जो कुछ होता है हो जाए, पर मैंने ये करने को कल्याण हमारा इसमें, जैसे हम कहते थे कुछ भी हो जाए मैंने भी ये जरूर कर लेनी है, अच्छा कुछ भी हो जाए हमने वहां शादी करनी है, वही मैंने अंगारे पानी है, मैंने उसी के साथ फांसी लेनी है, कितने इरादे होते हैं, मैंने वही नौकरी करनी है। शाबाश, सर गंगाराम जी की जीवनी करी मेरे कहने पर पढ़ना, लाहौर वाले सर गंगाराम। अच्छा बेटी एक बात सुनाओ,
सुनो मेरे बच्चे अगर नहीं सुनी मेरे से तो बड़ा उत्साह मिला मुझे उनसे उनकी जीवनी ऐसी उसकी जीवनियां पढ़नी चाहिए जो बड़े इंकलाबी। अच्छा मंचले थे सर गंगाराम बहुत चोटी के समाज सुधारक हुए हैं तो एक बड़े ऑफिस में गए। हाँ उसके एक ऑफिसर से मिलना था, ऑफिसर उस वक्त किसी और के पास ऑफिसर के पास गया हुआ था, कुर्सी खाली थी, डट के उस उन्हीं की कुर्सी पर बैठ गया। मजा आ गया, वाह रेवड़ियां कड़ाकेदार, उन्हीं की कुर्सी पर डट के। थोड़ी देर बाद वो आ गए, कौन हो तुम, आपको मिलने आया हूं, इतनी भी तमीजी नहीं है कि मेरी कुर्सी पर बैठ गए, तो क्या हो गया, क्या हो गया बताता हूं। अंग्रेज थी बेटी, मंटकुमरी की घटना, मंटकुमरी उधर पाकिस्तान में था जहां हड़प्पा जहां खुदाई हो रही है, अब भी हड़प्पे के थोड़ा सा आगे मंटकुमरी है, अब भी नहीं बेटी मुल्तान कहां रह गया, मुल्तान की सड़क तो कह सकते मुल्तान रोड रेलवे रोड, मुल्तान तो बड़े पीछे रह गया, खानेवाल से भी आगे चीचावतनी, चीचावतनी वाह नाम देखो स्टेशन का, उसके बाद हड़प्पा, हड़प्पे के बाद मंटकुमरी। तो मंटकुमरी की यह घटना सुना रहा हूं, जिला था मंटकुमरी, तो बुला करके चौकीदार बैत मरवाए, बैत खाता वो बाहर आ गया, एक और अफसर आए कि इस अंग्रेज ने मुझे बैत मारे हैं, ये क्या है, ये है, ये आदमी कैसे बनता है, अगर ये इम्तिहान दे दे, मैंने भी मां का दूध नहीं पिया अगर इसी कुर्सी पर ना आ जाता, जाके कहने लगे साहब आपने मरवाया है ना, हाँ मैं इसी कुर्सी पर आने वाला हूं, और परमात्मा के समय ठीक कह रहा हूं, थोड़े समय के बाद उसी जगह बन के आए, क्यों क्वालिफाइड हो गए और फर्स्ट क्लास फर्स्ट 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 ही फर्स्ट है, दिन रात ही कर दिया, तपस्वी क्या तप करेगा, बकवास नहीं कर रहा, जीवनी पढ़ना उनकी, कितना आदर मान मंटकुमरी में उनका हुआ कि कोई समय था खुद कहते थे इसी कुर्सी के लिए मैंने बैठ खाए थे, और कोई समय है कि आप इसी कुर्सी के लिए मेरे गले में हाथ डाल रहे, उसे भी समझ ले कि इरादा में कोई समय था कि इसी कुर्सी के पर ये मैंने बैठ खाए थे, कोई समय है कि इसी कुर्सी के लिए आप मेरे गले में हाथ डाल रहे, पक्के इरादे में भगवान होते हैं, हम भी पक्का इरादा कर ले कि मैंने इस जन्म में कल्याण करना, मेरा कहना सफल कर देना, मैं आपका भगवान के दर्जे दूसरे पर मेरा नाम आएगा, भगवान का नंबर वन दूसरे दर्जे पर जो हमें भगवान का प्यारा बनाए, मैं आपका हितैषी हूं, भगवान परम हितैषी है, मैं आपका हितैषी हूं, जरूर पकड़ मैंने इस जन्म में अपना कल्याण कर लेना, क्या हो गया मैं नारी हूं तो, क्या हो गया मैं गृहस्थी हूं तो, मां बन गई पति में इसमें क्या हो गया, पर जब पक्के इरादे में भगवान है तो मेरा भी पक्का इरादा है, कोई आप में से बतलाया तो सही, आओ हमारी ये बहुत अच्छी मीठी क्लास है, पक्के मानो मैंने और आपने कहा हमने पक्का इरादा किया है, पक्के इरादे का लक्षण क्या होता है जरा सोचना फिर बताना, मैं कहता हूं मैंने पक्का इरादा कर लिया, तू भी मां की जी कहती है कि मैंने पक्का इरादा कर लिया, मैंने इस दिन में कल्याण करना है, पर हम कैसे जाने, अपने आप को कैसे बताए कि मैं ओवर जज नहीं कर रहा या मैं ठीक कह रही हूं, ओवर जज अपने आप को नहीं कर रही, मैं राइट जज कर कह रही हूं कि मैंने पक्का इरादा कर, मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण करना है। आइए जरा, चाहे आपने ऐनक लगाइए चाहे नहीं लगा रखी, चाहे किसी तरह भी आप बैठे हैं, जरा मुझे बताइए सही, हम कैसे जज करें कि मेरा इरादा पक्का, जरा सोचो और लेट मी नो, हमने ये पक्का इरादा किया है कि हम इस चरण में जरूर कल्याण करेंगे, यह हम अपने मन को कैसे बताएं, हम तो कहेंगे हमने पक्का अदा किया, इट इज 100% राइट, लेकिन हमारे पास इसका प्रमाण क्या है, सबूत क्या है, प्रूफ क्या है, एंड प्रूफ मस्ट बी सॉलिड। आओ आपकी झोली में प्रश्न डाल दिया, उत्तर मांग रहा हूं, आप रोज मेरी गीता सुनते हैं, रोज मेरे भगवान की चूटी के ज्ञान को सुनते हैं, कैसे हम अपने आप को बताया कि मैंने इरादा पक्का कर लिया है, संसार के विचार आने दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे, वेरी गुड, और सोचिए क्या करें, भगवान में लगी रहेगी, शाबाश।
राधा इसके सिवा और कोई नहीं होगा। थोड़ा सा और आगे चल, शाबाश वही होगा प्रभु चिंतन। विमला ठीक कह रहे मेरी बेटी, शाबाश बहुत सुंदर। क्या फरमा रहे हैं? मन एक ही का सुर, शाबाश। और कोई? ये हमें कैसे पता लगे कि मैंने पक्का इरादा किया है और मेरा जो संकल्प है ये दृढ़ है, ऊपर ऊपर से नहीं है। स्वामी कोरा फॉल्ट है, स्वामी कोरा फॉल्ट को बोलते अंतस्तल से है, अंतस्तल तो बन जाता है अंतस्तल। और हमें पता था ध्यान, वाकई हमने पक्का इरादा कर रखा है, वाकई हम सबका पक्का इरादा कर, हमने इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाना। कहीं मन गलत तो नहीं कह रहा, कहीं अपने आप को ओवर जज तो नहीं कर रहा। लो आपने जो कुछ कहा ठीक है, अब मैं महर्षि वेद व्यास जी का फरमान बताता हूं। हमेशा याद रखना, जिन्होंने पक्का इरादा कोई भी हो, ये नहीं कि ये किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में आपने पक्का इरादा, जैसे आपने कहा मैंने वही शादी करनी है, कोई कहता मैंने जरूर बीए करके छोड़नी है, कोई कहता मैंने वो नौकरी लेके छोड़नी है, श्री फूलचंद जी कहते थे मैंने ये मिनिस्ट्री लेके छोड़नी है, अच्छा हाँ कोई और पता नहीं क्या क्या इरादे कर लेती हो, हमने कहा हमने अपना कल्याण इसी जन्म में करके छोड़ना। तो बताए व्यास ये कहती है, जिसका सुनिए मेरे भी दो कान ले लो, चार कानों से सुन लो, जिस किसी भी क्षेत्र में आपने पक्का इरादा किया कि ये मैंने करके छोड़ना है, हर समय वो इरादा आपके सामने रहे, ये है आपके मन की। वेद व्यास कहती बाकी चगले मारी जाओ, जो मर्जी मारे जाओ, जो मर्जी कही जा कही जा, बेशक कंघी मार के आया करो सिर में। मैंने कई बार आपको कहा ताकि जरा ऑक्सीजन पूरे थोक के भाव अंदर जाए, वो इरादा हमेशा आपके सामने रहेगा। हाय रब्बा, वैसे भी ये मजाले कभी आप भूल जाते थे कि मैंने करके छोड़ना है, क्या देख छोड़ना है, तू तो कमजोर है, क्या है कमजोर, आज क्या मुझे फिर ना कहना मैं जरूर ये करनी है, यानी वो विचार हमेशा आपके सामने रहेगा। आप कहते भगवान हमेशा रहती है, भगवान तो रहेंगे बाद में, हमेशा पहले ये रहेगा कि मैंने तो अपना कल्याण करना ही, मान जाओ नहीं मानते तो खड़े हो जाओ, मैं व्यास जी को बुलाता हूं वो जवाब दे। फिर आती जिसने जो इरादा किया है वो इरादा हमेशा याद रहेगा। अगर आप सपने में बड़बड़ा भी रही है तो भी यही होगा, ना घबरा मैंने आकर आना तेरे घर में ही है, घर फिटे मुंह सो रही है कि बातें बना रही है, सपना आ रहा था, सपने ही वही आएंगे। मास्टर जी सपना आ रहा उसको, मास्टर जी ना मारो मैं पास हो जाऊंगा, पास हो जाएगा, मैं जरूर पास हो जाऊंगा, तो जब मैं सुनता तब तो बताता नहीं कैसे पास हो जाएगा, नकला मार के बहुत हसाया क्लास में, माता कमजोर और माजी बाजे ना मारो मैं पास हो जाऊंगा, कैसे नकला मार के, आज के बाद नहीं मारूंगा, बस ऐसा स्पष्ट जवाब देकर मैं, ये तो अपने मेहनत के जोर से होंगे, मैं नकल के जोर से हो जाऊंगा। और वाकई रब ने राम प्रकाश को पास कर दिया, उसका नाम था राम प्रकाश, अभी उनका शरीर छूटा है। इतने जोरदार राम प्रकाश ने कहा कि मास्टर जी मुझे ना मारा करो, तो तू देख रहा मैं पास हो जाऊंगा कैसे, ये तो मेहनत जोर से होंगे, मैं नकला मार के हो जाऊंगा। और बड़ी गुस्सा की बात पकड़ा ही नहीं गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तू लिख ले, किताबा ही जो फाड़ के ले गया, उसके बाद लिखने का टाइम ही कोई नहीं। हाँ बेटी यूं की कागज पे लिख के ले जाओ ना, वो छपा छपाया फाड़ के साथ ले, रब कर दिया। पक्के इरादे के साथ प्रभु हो जाती है, यानी वो इरादा सामने रहता है। क्या आपके सामने है कि मैंने इस जन्म में जरूर कामयाब हो जाना, मैंने फिर लौट के नहीं आना, मैंने जन्म लेना ही नहीं, ना मैं लड़की बनू ना मैं लड़का बनू, हर दो लानत, इस उर्दू में बोलते थे हर दो लानत, लड़की बनने भी लानत है लड़के बनने में भी लानत है, हर दो लानत, ना मैंने तो कामयाब हो जाना है, मैंने तो हूं निकल जाना है। तो जिसने पक्का इरादा किया है मैं हूं या आप बताए हैं ये मेरी बेटियां, तो ये इरादा आपके सामने चमकना चाहिए। मैं तो आपको यूनिवर्सल बात बता दी, सार्वभौमिक या आलमगीर बात बताई,
जिसी किसी भी क्षेत्र में जिसने वो पक्का राजा किया वो भूल ही नहीं सकता, वो उसके सामने ये होता है इसके लक्षण इलामात, इलामात जी लक्षण इंडिकेशंस कि मैंने पक्का राजा किया है तो मेरा मन भूलेगा ही नहीं बच्ची, मेरा मन भूलेगा ही नहीं, मैंने पक्का राजा किया मेरा मन भूलेगा ही नहीं। शाबाश, आओ आगे बढ़े। अब हमने इन पांच में विशेषताएं, ये विशेषता ले ली है, बड़े बड़े उनकी जीवनियां पढ़ी, कमाल कर दिखाया उन्होंने, असंभव को भी संभव कर दिखाया, असंभव को भी संभव, वाह वाह, असंभव मैंने ऐसी जीवनी में क्या क्या सुनाऊं। विवेकानंद के पढ़ो असंभव को भी संभव, गुरुदेव जी के पढ़िए असंभव को भी संभव है, कबीर जी की जीवनी पढ़िए, मीरा की जी असंभव को भी संभव, असंभव को भी संभव, यानी आम कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल पॉसिबिलिटी हो गई। इरादे में इतनी तक मैंने अभी कहा ना, इरादे में भगवान जी बैठ जाते हैं, इरादे में प्रभु थे, उनके लिए क्या असंभव है, मेरे और आपके देखा जाए तो असंभव है। अपने को तुम क्योंकि बुद्धि में ताकत थोड़ी, हाँ मन में शक्ति थोड़ी, तन में शक्ति थोड़ी, कितना अच्छा कोई श्रद्धालु कहता है रबदास चोटी का प्यारा, बहुत अच्छे, आप भी कभी कभी ऐसे ऐसे बोल लिख के याद कर लो और बोल लिया करो और अपना उत्साह बढ़ा लिया करो, अपना उत्साह बढ़ा लिया करो, ये कह लिया करो भगवान जी के आगे, जब गीता को हाथ में धर लिया और प्रभु के सामने रख लिया, ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, अगर मैं अपने को देखता हूं तो मेरे पल्ले तो कुछ नहीं मेरे को तो कुछ नहीं, ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और जो देखा मैं बख्शिश तेरी ओ दाता बल्ले बल्ले बल्ले, अगर मैं तेरी बख्शिश देखूं तेरी कृपा देखूं तो फिर तो मैं हारूंगा ही, ये देखा मैं अपने ताई कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और जो देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता बल्ले बल्ले बल्ले, ऐसा कह के अपने मन को उत्साह से भर दिया था। हम इसी तरह ही महापुरुषों के इन अनमोल बोलों को लेके गदगद होते रहते हैं, बड़े प्रसन्न होते रहते हैं। तो ये विशेषताएं यानी क्वालिफिकेशन होगी, हम कल्याण कामियों में चमक उठने चाहिए। आओ मैं आगे बढ़ू, थोड़ी सी दुराई कर लू, पहली विशेषता है प्रातःकाल उसके भगवान के पवित्र होकर शरीर रूप में पवित्र होकर भगवान के चरणों में हाजिर होना, जरूर स्नान करना चाहिए, रात्रि को शरीर पवित्र नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, प्राण वायु लेती है अपान छोड़ती है, हैं जो है कार्बन डाइऑक्साइड हवा छोड़ते हैं, गंदी हवा है, और ऑक्सीजन ले रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं बेटे अपान, और शुद्ध वायु को बोलते हैं क्या बोलते बेटे प्राण होती, जो हमने हवा दी, हाँ तो जो अंदर गंदे अंगों को छू करके बाहर निकली तो गंदी हवा होगी ना, उसको क्या बोलती है अपान। प्राण ये दो शब्द तो याद कर लो ना, प्राण प्राण जो शुद्ध वायु हम ले दिया अंदर ऑक्सीजन, प्राण इसी को तो ऑक्सीजन, और अपान बैड एयर जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम छोड़ते थे, सारा शरीर गंदा हो जाता है, और केवल हम नाक और मुंह से सांस नहीं लेते, हर रोम प्राण भी लेता है अपान भी करता है, इससे सारा शरीर गंदा हो जाता है। ये ना कह रहे कि हम इतनी वायु ये सारे लेते हैं, एक एक रोम लेता है। शाबाश, इसलिए रात्रि को चाहे सर्दी हो या गर्मी कपड़े खुले होने चाहिए, तंग कपड़े तो कभी भी रात्रि को नहीं पहनने चाहिए, ये नाइट ड्रेस जो बनी है तो नाइट ड्रेस भी खुली होनी चाहिए, मैंने आपकी जानकारी करा दी। तो आइएगा लीजिए, पहले क्वालिफिकेशन रात्रि को सवेरे का 2 बजे 2:30 बजे, हाँ अपना उठा, अपने शौच किया, दातन खुला किया और स्नान किया, स्नान करने के बाद ये पवित्र शरीर पवित्र हो गया, लेकिन रात्रि वाले कपड़े नहीं पहन लिए, रात्रि जो धोती आपने पाई या सूट पहन रखा है उतार दो, परे अपने लटका दो चौटी पर, और चाहे बिल्कुल ही साधारण सी धोती हो, साधारण से कपड़े हो, सिंपल ड्रेस हो, लेकिन हो धुली हुई, बैठ जाओ और बैठ के अपने प्रभु को चरणों में हाजिर। लेकिन इतना तो श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान की सिवा कुछ भी नहीं, सब चीजें जा रही हैं, हाँ लालक मेरे मन को भगवान की सिवा कुछ भी चिंतन करे, ऐसी श्रद्धा तो होनी चाहिए।
ऐसी श्रद्धा तो भगवान हमारे से उम्मीद रखते हैं। शराबियों से उम्मीद कुछ रखेंगे भगवान? कुछ नहीं। कबाब खाने वालों से करेंगे, सिनेमा बाजू से करेंगे, क्लबों वालों से करेंगे, या आपका हाथ पकड़ करके जो सैर सपाटे कर रहे हैं, क्या भगवान उनसे उम्मीद रखेंगे? नहीं, भगवान केवल आपसे उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आप मेरे प्रभु की श्रद्धालु। यू हैव गॉट फुल फेथ इन ऑल माइटी, फुल फेथ वाला, आई डोंट से हाफ फेथ, सेमी फेथ, फुल फेथ। इसे प्रभु हमारे से उम्मीद रखते हैं, और प्रभु ने चाह तो हम जरूर भगवान की उम्मीद पूरी करके दिखाएंगे। शक्ति देती जाए और सब कुछ बन जाएगा। जैसे आज्ञाकारी बच्चा कहता है, पिताजी आप मुझे रुपया हर साल 1,00,000 रुपया दे दिया करो, देखो हमारा बिजनेस कितना फ्लोरिश करेगा। हाँ, ये भी कभी गिर गिरा के कह दिया करो, प्रभु आप मुझे शक्ति देते रहो, देख लो मैं आपके ज्ञान को कितना चार चांद लगा दूंगा। शक्ति आप देते रहो, पिताजी रुपया आप देते रहो, ये बड़ी तरक्की कर देगी फैक्ट्री। भगवान से ताकत मांगते रहा करो, पर मेरे से पूछो, भगवान मांगने पर ताकत देते हैं? मैंने अपने मुंह से कहा थप्पड़ मार दू दो, भगवान मांगने से ताकत नहीं देते, तो फिर मैंने कहा, मैंने विड्रॉ कर लिया अपनी स्टेटमेंट, मैं अपने वचनों को वापस लेता हूं, तो भगवान किसको ताकत देते हैं? जो पहली ताकत का सदुपयोग कर रहा है भगवान उसको ताकत देते। जो शक्ति मेरे भगवान ने पहली दे रखी है, आप उसका गुड यूज कर रहे हैं? अब आप मांगो या ना मांगो, भगवान आपको और शक्ति देंगे। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, समझे? भगवान आपको और शक्ति देंगे अगर उन द्वारा दी गई पहली शक्ति का आप राइट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या राइट यूज कर रही हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो इस तरह ये पहला गुण हमारे में है, मेरे में, आप में, माताओं में, बेटियों में, क्योंकि हम सब प्रैक्टिकल साइड पे जा रहे हैं, हम केवल श्रोता नहीं है, हम अपनाने वाले भी हैं। भगवान उनको यहां कभी ना लाए, मैं बार बार कहता हूं अपने प्रभु से, जो अपनाने वाले ना, जिनको सुनने का शौक हो ना, वो ना है, वो घर में बैठ के मलाइयां खाएं, वो आए जिनको सुनने का भी शौक है जी, जिनको अपनाने का भी शौक है। भगवान उनको चुन के लाए, आओ तो साथ मन भी एकाग्र हो। अब हमें अपने मन पे नाज है क्या कि हमारा मन भागेगा नहीं, क्योंकि उनके सिवा जो कुछ भी जा रहा है, जाने वाले की तरफ हम कभी नहीं जाएंगे बेटी, जाने वाले की तरफ हम कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। जो चीज जाने वाली है, चंदनी की मेहमान है, वी डोंट थिंक ओवर दैट। तो मन एकाग्र हो जाएगा, और जब भी प्रातः काल होगा, ये क्वालिफिकेशन हमारे में आ जाएगी, भगवान के चरणों में हाजिरी प्रातः काल। ये गुण पहला, हिंदुओं के पंच रतन का पहला रतन आपने अपना लिया, ये पहली, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वालिफिकेशन, बेटे फर्स्ट रिक्विजिट है ये। हाई हाई हाई, सब में है, क्योंकि हम कल्याण करना चाहते हैं ना अपना। जैसे इस नौकरी को आप बैंक की नौकरी को चाहते हो, तो आप में ये क्वालिफिकेशंस हैं, तभी अप्लाई कीजिए। ये ना हम शेख चिली की तरह बातें बनाते रहे मैंने कल्याण करना है, पर अपने ताई देखें, अपने गिरा बाह में मुंह डाले, हम अपने में देखें कि मैं क्वालिफाइड भी हूं। अगर मैं चाहती हूं तो मैं क्वालिफाइड हूं, तो पहले विशेषता, मैं अपना कल्याण करना चाहती हूं, मैं अपना कल्याण, तो कल्याण किनका होता है? प्रातःकाल उठ के जो अपने इष्ट देव के चरणों में हाजिरी देती है। चलो आगे, दूसरा रतन क्या होता है उनके पास? सदा ही निरंतर प्रभु चिंतन। अगर मालिक के प्रति हमारा दिव्य प्रेम है, तो जिसके प्रति प्रेम होता है, हाँ, उसको तो हम भूलते ही नहीं। अरे तुम तो जानती होंगी, जिसके प्रति प्रेम हो जाए, ओ मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, वो तो कभी भुलाए भी नहीं भूलता, भुलाए भी नहीं भूलता। प्रेम में इतनी शक्ति है, प्रेम में इतना रस है, तो वो अपने प्रीतम को नहीं भूलने देता। जैसे एक कागज हमने दीवार के साथ लगाया, गिर गया नीचे, एक और कागज लगाया, वो साथ लग गया, क्यों? जो पहला कागज लगाया था ना, हाँ वो खुश्क था, दूसरा कागज जो लगाया वो स्टिकर था, उसके साथ गूंद लगी हुई थी, इसी दीवार ने उसे पकड़ लिया। हाँ, आम जो आम मिलते जुलते है ना, खुश्क है, है? अब मेरा अपना मतलब पूरा कर रहे हो, मैं आपसे मतलब पूरा कर रहा हूं, बस। तो जो आप बाबा क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं हो गया। क्या
और जहां प्रेम होता है हा वहां मानो गूंज लग जाती है। प्रेम चाहे मां के साथ, बाप के साथ, किसी के साथ भी हो, जहे किस्मत भगवान के साथ दिव्य प्रेम हो गया। तो जहां प्रेम होता है वहां प्रेमी को भुलाया नहीं जाता, प्रेम भूलने कहां देता। अहम उस दिन भी कह रहा था, अब सुन रहे थे बड़े ध्यान से, अब हमारे इष्ट का निराला ही तौर है, उनको हम पे नाज है और हमको उन पे नाज है। प्रेम भूल नहीं देता। तो क्या हम निरंतर भगवान की, दूसरा रतन मैं भी टटोल लू अपने आप को सीरियसली एंड मोर सिंसियरली, और आप भी सीरियस एंड सिंसियरली यू प्लीज सी विद ओन सेल्फ, दूसरा रतन आपका बन गया। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते प्रत्येक प्रकार के छोटे बड़े कार्य करते हुए हम अपने मालिक को याद करते हैं ना, मन अपने आप याद करता रहता तो दिव्य प्रेम है, वरना पखंडी है, वरना हिपोक्रेट। और देखो भगवान गीता में कर्मयोग में नाज और नाराज हो रहे हैं, परा गंदा दिल है वो मक्कार और मकारी रब के साथ कभी नहीं चलेगी। और भगवान करे जहां तक मेरी आंखें काम करती है, हमारे मक्कार कोई भी नहीं। आए 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 खुश हो जाओ, मेरी नजरें कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हमारे में मक्कार कोई भी नहीं। ये भगवान की विशेष कृपा, ये मेरे इष्टदेव महाराज जी की, मेरे सजनों मेरी देवियों विशेष कृपा, हमारे मक्कार कोई नहीं। जो ऐसा समझता है तो उसकी नजरें मक्कार है, लेकिन हमारे मक्कार कोई। तो फिर आइएगा हमेशा प्रभु का चिंतन, मालिक कुछ भी हमारे से लेना चाहती है, हाँ हम बड़ी खुशी से वो काम पूरा कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन इधर अपने अंदर तो देखो भगवान के चिंतन है ना। तीसरा, चलिए तीसरा रतन क्या, इसके हेडिंग क्या है, गुण का साकार रूप है, दिव्य गुण का साकार रूप, दिव्य गुण का साकार रूप। गुण तो भगवान ने बताए गीता जी के अंदर, वही 12वां अध्याय, वही गए मेरा भक्त प्यार, जो जिनमें ये दिव्य गुण है उनमें से एक अपना बनाना। व्यास जी आपकी बड़ी कृपा, कितनी छूट दे रहे हैं आप तो भगवती, कितनी प्रभु छूट दे रही हैं, उसमें कितने गुण लिखे हुए हैं। एक गुण मैंने आपको कहा था, जरूर मैं और आप अपना बना चुके हैं या बना रहे होंगे, क्या जो मिल जाए लेकर वही, यद इच्छा लाभ संतुष्टा, मूल शब्द भगवान के लो, यद इच्छा लाभ संतुष्टा, पुरुषार्थ किया जो मालिक ने दे दिया, गद गद पुरुषार्थ करने के बाद, खून पसीना एक कर देने के बाद, मेरी देवी हो मेरे सजनों, अप टू दैट वी आर ऑल कंटेंटेड एंड मोस्ट सेटिस्फाइड, कंटेंटेड एंड मोस्ट सेटिस्फाइड, आफ्टर स्ट्रगलिंग, आफ्टर एग्जर्शन, आफ्टर स्ट्रगलिंग, आफ्टर एग्जर्शन, हमने एग्जर्ट किया किसी काम के अंदर से, इन एनी फील्ड ऑफ वर्क, हाँ उसके बाद जो मालिक देते हैं, कख दे या लख दे, मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं जिन्होंने इस गुरु को अपना लिया। सही रूप में कोई मेरे से पूछे ना, वही श्रद्धालु है मेरे परमात्मा का, मेरी गीता का, हाँ जो हर समय कंटेंटेड और सेटिस्फाइड है, प्रसाद किया जो, ये भगवान के श्रद्धा, इसको श्रद्धालु कहेंगे। प्रसाद करने के बाद जो परमात्मा देती है, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, प्रसन्न, ये गुण आप में है। भगवान ने तो वहां पर कई गुण गिनाए हैं, उसके बाद मेरी देवी मेरे सजनों कह रही है कि वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, और हमें व्यास जी छूट दे रहे हैं कि इन गुणों में से एक गुण बना लो, अपना लो। इसके बाद क्या होता है, बड़ी होशियारी दिखाई है महर्षि वेद व्यास जी ने, क्या बड़ी होशियारी दिखाई, क्या ये तो उसी तरह कहा गया, मेरे गुरुदेव कहा करते थे एक गुण के लिए जो पंच रत्न में कहा गया वो किस तरह, एक बड़ा बढ़िया अनार लीजिए, अच्छा जो बहुत पक्का हो और बड़ा हो, हाँ बड़े ध्यान से चाकू, तेज चाकू से उस सेंटर में टुकड़े कीजिए, दो फाड़ कीजिए, दो फाड़, हमने दो फाड़ कर दिया, गुड, हाँ अब देखिए भगवान ने एक दाने के साथ दाना कैसे इंटेक्ट किया है। मेरे बच्चे कितने दाना साथ संग लग्न, अपनी भाषा में बोलेंगे संग लग्न, एक दाने ऐसी तो मशीन भी नहीं कर सकती, कितने लगा हुआ है, हाँ पेट मारो का मैंने एक दाना लेना है, लो एक दाना, पर
दाने के साथ दाना लगा हुआ है, दाने में कई दाने हाथ में आ जाएंगे। आप अपनी ओर से कोशिश करोगे मैंने एक ही दाना लेना है, हाँ, और आप कोशिश भी कर, सच्चाई से कोशिश कर रहे हो, लेकिन दाने में दाने में दाना दाने संलग्न है, एक दाना साथ कई दाने आ जाएंगे। इतने भगवान की बहुत ही होशियारी दिखा रहे हैं, क्या एक गुण ले लो पर एक गुण के साथ अनेक गुण संलग्न है। अनार के दानों की तरह मैं भांडा फोड़ रहा हूं आपका, मुझे क्षमा कर देना, मैं कभी खोलता हूं इनकी, ये कैसे बात है कि एक ही गुण आएगा? क्या अनार के दाने में से एक दाने मेरे कहने पर एक भी अनार तोड़, विमला की बच्ची दाल तेरी कच्ची तोड़ के देख, और कोशिश करके मैंने एक दाना, मेरे बाबा ने कहा है मैं उनके बच्चों को सत्य कर दिखाऊंगी, आह मां दीदी सत्य करेगी, करके दिखा। आप एक अनार तोड़ना, फिर दो, फिर चार, फिर दस, इशक जितने में कई दाने आ, क्योंकि दाने के साथ दाना है ना, और वो संलग्न है, भगवान ने अलग अलग नहीं रखे, बिल्कुल साथ साथ, इतनी थोड़ी सी भी जगह अलग नहीं रखी दानों की तरह, बीच में थोड़ी सी जगह रखी बिल्कुल भी नहीं। दे आर ऑल इंटैक्ट विद ईच अदर, इंटैक्ट विद ईच अदर। कैसे हम उन्हें अलग करके एक दाना ले ले, नहीं हो सकता। इसलिए जब हम गीता जी का एक गुण पकड़ते हैं 12वें अध्याय का, तो सारे बाकी गुण संलग्न है, उसी के साथ कनेक्टेड है। तो पर आप तो एक ले लो ना, बाकी गुण खिंचे हुए आ जाएंगे, बाकी गुण अपने आप आ जाएंगे। शाबाश 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 शाबाश। विवेकानंद जी ने एक दृष्टांत दिया है इस प्रसंग में, सुना दूंगा आपको, सुना दे बाबा सुना दे, सुनिए। देखो महापुरुष किस ढंग से समझा जाती है, सुनिए। एक गैया कई गैयों के साथ जंगल में चर रही थी। अच्छा बाबा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, होनी बड़ी प्रधान है ना। बाकी गैया चरती चरती दूर निकल गई, लेकिन उस गैया को थोड़ा सा हिस्सा इतना अच्छा मिला था हरा भरा, क्योंकि थी सारा मैंने ही खाना है, तो उसी जगह ही चरती रही। मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, बाबा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हाँ अचानक वहां शेर आ गया है। हाँ फिर गैया कांपी, कोई नहीं, अच्छा आप प्रश्न ना करो, चुप करके सुन लो। स्वामी जी फरमाते हैं, आगे शेर ने कहा, शेर ने दहाड़ वाली जोर की, हा गैया चर के चरती ऊपर आंख ऊपर उठाया, क्या बात है, बहुत भूखा हूं, खा जाना चाहता हूं, संभल जा, आप हमारे राजा हैं, मैं क्यों संभलूंगी, आप खाना चाहते हैं ना, जरूर खाइए। अरे तुझे डर नहीं लगता? डर किस बात का, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मरना तो है ही, शायद मेरा आज ही दिन लिखा होगा, पर एक मेरे प्रार्थना मान लीजिएगा, क्या? सुनिए बेटी, गैया और शेर की वार्तालाप तेरी माँ ने भी देहरादून में नहीं सुनाई होगी, जो मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा सुनिए जरा, क्या क्या तेरी मांग है? मेरा एक बच्चा है केवल 1.5 महीने का, हा मैं उसको दूध पिला के आऊ, फिर तो आएगी, अवश्य आऊंगी, मैं गैया हूं, लोग मुझे मैया कहती है। अच्छा जा, विवेकानंद कहते हैं सुनो तो, वो गई, बच्चों का बच्चे जी भर के दूध पी ले, पी ले और पी ले, तीसरी बार फिर का मैया, मेरे मन में शंका पैदा हो गई। बछड़े ने कहा, ऐसी तो आपने मुझे कभी भी नहीं कहा था, बल्कि जब मैं ज्यादा पीता था तो तू कहती थी आप 2 थन उसके लिए भी छोड़ दे जो मुझे पालते हैं, चारा देती है, 2 थन तेरे अधिकार में है, 2 थन जो हमें पालती है उनके, वैसे हिंदू धर्म कहता यही है, 2 थन आपके 2 थन बछड़े के, तो फिर वो दूध नहीं अमृत होता है, तो आज तो कितने सारा पी ले। हाँ बच्चे क्यों, जितना तूने पीना है आज ही पी ले, क्यों, फिर तेरी मैया नहीं रहेगी।
एक बछड़ा और था जो भी इसी का था, वो जरा बड़ा था, मानो होगा साल का हो गया होगा, वो दूध भी पीता था, वो चारा खाने लग गया था, उसने भी चारा छोड़ दिया है आज ही वो। हाँ, उधर इसका पति बैल जी महाराज, उसने भी चारा खाना छोड़ दिया है। सारे नजदीक आ गए, क्या बात क्या है, ये सारी घटना घटी है। और मैं हरिश्चंद्र की बहन सत्यवादी, वाह हरिश्चंद्र इसका भाई था, हाँ बड़ा भाई था, ये छोटी बहन है। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, सारे रोने लग गए, सब गैया भी रोई, दो बछड़ी भी रोए, हाँ पति देव जी महाराज जो है वो भी अपनी डार्लिंग को देख के रो पड़े। कौन ही रोता है, रोती है, यारों ने गीता सुनी हो तो निर्भोई बन गए हो, निर्भोई तो भरे नहीं, वो तो मुंह में भरे पड़े सारे। हाँ अच्छा, सबको चूमा चाटा प्यार किया, बैल ने भी प्यार किया, सब आंसू अपनी बहाती हुई, शेर के पास आ गई। शेर को उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन वो तो आ गई है, आप खा लो मैं आपके पास। इतने में क्या हुआ, बछड़ा भागता हुआ आ रहा है, शायद आप भूखे न रह जाए, मैं इनके बिना नहीं रह सकती, ये मेरी मां है, ये चली गई तो फिर मेरे रहने का मतलब क्या, मुझे भी खा लो। गैया ने सिर्फ नीचे रखा हुआ है, बच्चे ने भी रख दिया, पीछे वो भी आ गया, उसके बाद मेरी कौन परवाह करेगा, दूसरा बछड़ा मैं भी आ गया। तुम जब सारे आ गए हो तो पीछे बैल भी रोता हुआ आ गया, फिर मैं जिंदा रह के क्या करूंगा, शेर तुम मुझे भी खा लो। मैं बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, जाओ तुम्हारे इस दिव्य प्रेम को देखकर तुम्हें चारों को जिंदगी वापस लेता हूं, तुम वापस जाओ, तुम्हें खाकर कभी भी भगवान मुझे बख्शेंगे नहीं। तुम इतने आपस में संलग्न हो, तो स्वामी जी कहते हैं विवेकानंद जी, हाँ वो नेक जीवो, एक तो गुण अपनाओ, जैसे एक गैया के साथ दोनों बछड़े संलग्न और अपने बैल भी संलग्न, एक गुण तो अपना लो, बाकी भी बारी बारी करके आपके पास आ जाएगी। एक गैया नहीं शेर के पास आई, गई के साथ कनेक्टेड छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के साथ फिर बड़ा बच्चा भी मां के साथ कनेक्टेड है, और बेचारी बैल तो है ही, बैल इनके बिना जीरो है, वो भी तो इन्हीं को देख देख के खुश होते हैं। इस तरह एक गुण अपना ले, अपने यद इच्छा लाभ संतुष्टा, बाकी भी आपके पास आएंगे। ऐसा ही मैं अपने तजर्बे में देख रहा हूं, आप भी अजमा के देख लो। एक गुण तो अपनाओ, मैंने आपने कहा था एक गुण आप बताइए कौन सा गुण, यद इच्छा लाभ संतुष्टा। पुरुषार्थ मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये हमारे दैनिक जीवन में बड़े काम आता है मेरे देवी मेरे सजनों। हम तो कर्म योगी हैं सारे के सारे, मैं और आप मनुष्य योनि में आए हैं, हाँ मनुष्य योनि में कर्म प्रधानता होती, कर्म की प्रधानता होती है, बुद्धि से कर्म करना, मन से कर्म करना, तन से कर्म करना, ये तीन ही इक्विपमेंट्स हम लेके आए हैं बेटे, ये तीन ही तो उपकरण है, बुद्धि मन और तन, और तीनों ही वर्केबल है, तीनों वर्केबल, हाँ ये किसी भी एक्टिविटी के बिना रह नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है। तो फिर कर्म तो हम करेंगे, लेकिन आगे हम मार खा लेते हैं जब कर्म में अपनी अपनी इच्छा रख लेते हैं, कर्म में अपना स्वार्थ, या इंसान ने मार खा ली, या इंसान हीरो से बिकम जीरो। अर्जुन तो हमारे लिए आदर्श है, रोम रोम बोले क्या बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब, वो मेरे प्राणनाथ, वो मेरे इष्ट देव, वो मेरे बेस्ट गाइड फ्रेंड एंड फिलोसफर लॉर्ड कृष्णा, बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। हमारा रोम रोम जबान का काम करे, कह रहा हूं आपके फिर आंखों पर जो आप कह रही हैं, मैं अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी, मैं करूंगा शाबाश। अब ये गुण अपना लो अपना, फिर मैं इसके बाद कुछ और बातें बतलाऊंगा कि जब ये गुण अपनाया जाता है उसके बाद कौन कौन से गुण अपने आप भागे भागे आते हैं, मैं फिर बतलाऊंगा, मैं प्रसंग से आउट ना हो जाऊं। तो ये तीन गुण हो गए हमारे, तीन रतन हमारे वैदिक सनातन धर्म के, पांच रतन हमारे धर्म के, यानी रतन कह लो, ये चूंकि हम सब कल्याणकामी हैं, हाँ तो ये क्वालिफिकेशंस हैं, ये हमारी विशेषताएं हैं, तभी तो हमारा कल्याण होगा, तभी तो
और दादी हमारी कहा करती थी स्नान करने के बाद कुछ बोलती थी, कुछ कुछ शब्द मुझे अब भी याद, कभी नहीं बोलेंगे। उनमें से ये था दादी, क्या ए मेरा मैयाणा नाही बिना प्रेम दे रीझे। राम कोई अबोध बच्चा नहीं जो बिना प्रेम दे रीझ जाए। राम भी बड़े स्याने हैं, एवं राम अयाणा नाही जो बिना प्रेम दे रीझे। प्रेम होगा तो भगवान खुश होंगे, बिना प्रेम के नहीं। इस तरह ये पांच रतन होंगे तो भगवान पिघल जाएंगे, उनका तख्त हिल जाएगा। आजमा रहा हूं, खड़का के आजमा रहा हूं, अब आपको मौका मेरे प्रभु ने दिया है। चलो आगे, चौथा रत्न देखते रहिए, मेरे मैं अपना धर्म पूरा कर रहा हूं। रत्न कह लो, उनकी शब्द तो पंच रत्न है, पर आजकल के शब्दों में क्लियर करता हुआ मैं इसे क्वालिफिकेशन कह रहा हूं, विशेषताएं। जो कभी भी मैंने कहा था किसी वैकेंसी को लेने के लिए उसकी विशेषताएं पूरी करनी होती है। तो आप, हम अपना कल्याण करके जाना चाहते हैं, कल्याण करके रहना चाहते हैं, तो अपने लगाई गई व्यास जी की या भगवान की इस विशेषता को पूरा करें, जरूर करेंगे एड़ी चोटी का जोर मार के। चौथा क्या, दैनिक शुभ कार्य। आहा, जब इस घंटे में या दिन में सूर्य उदय से अस्त तक कोई ऐसा शुभ कर्म करो जिससे अनेकों को लाभ हो। विश्वास करना भगवान बड़े खुश होते हैं जो कोई ऐसा कर्म करे जिससे अनेकों को लाभ हो। बेटी अनेकों को लाभ हो, कोई ऐसा कर्म करो, दिन में एक कर्म ऐसा रोज किया करो, भगवान बड़े खुश होते हैं। वो देखो 12वें अध्याय के अंदर, ये अपने प्रभु 12वें अध्याय में भी यही कहा और उधर 5वें अध्याय में भी यही कहा, सर्वभूत हिते सबकी भलाई में। तो आप कौन सा कर्म रोज करते हैं जिससे अनेकों को लाभ होता है? बाबा ये हमारा चौथा रतन है, हे पहाड़ी शर्मा, हे मेरी दीवियो, ये हमारा चौथा रतन है। कौन से ऐसे, कोई ऐसे आपसे हो रहा है कोई ऐसे नोबल एक्शन, साउंड एक्शन, हेल्दी एक्शन, फ्रूटफुल एक्शन, ऐसा कोई हो रहा है जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे? नहीं बाबा। और मैं बताऊं, और जो अपने व्यास जी ने बताया जिसे अनेकों को मैक्सिमम गुड टू दी मैक्सिमम नंबर, ये विवेकानंद ने कहा था, मैक्सिमम गुड टू दी मैक्सिमम नंबर, अधिक अधिकतम जीवों का, अपनी भाषा में बोलो, अधिकतम जीवों का अधिकतम लाभ, अधिकतम जीवों का अधिकतम लाभ। तर नहीं कहना, अधिक तर नहीं बोलना, अधिकतम, अधिकतम जीवों का अधिकतम लाभ, मैक्सिमम गुड टू दी मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम गुड टू दी मैक्सिमम नंबर। सुनो, अब आपने ये अपने जीवन में ले लेना, जब तक आपका एक भी श्वास है या आप साधना कर रहे हैं, जब तक हमें कोई शमशान में नहीं साड़ आता। हाँ, अवश्य तो वक्त कोई ऐसे आ रहा है कि शमशान में कोई साड़ेगा नहीं, क्योंकि थोक के भाव मौतें होनी है, थोक के या जंग लग जानी है या भूंचाल आ जाना, पता नहीं क्या हो जाना। ये तो मुझे तो मुश्किल नजर आता है, क्योंकि हमें चार पाइप चार कोई हमें तख्त उठा कर ले जाए, नहीं मुश्किल है। खैर कुछ भी हो, जब तक हमारे श्वास है हाँ, तब तक ये गुण हम जरूर अपनाते रहेंगे। ऐसा कोई शुभ कार्य रोज हो हाँ, जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना जरा, मैं कई गिना जाऊंगा जो महापुरुष ने गिनाए, उनमें से जो आपको अच्छा लगे अपने जीवन का अंग बना लो कि ये तो मैं, ये मेरे अनुकूल है, मैं रोज करूंगा। क्या, एक फुलका लिया जो ताजा पक गया, उसका पहला फुलका जो आपको रोटी मिली है, भगवान जी का नाम लेकर हरे कृष्ण करके उसके कई गिलास बनाइए हाँ, चाहे भोजन के बाद चाहे भोजन से पहले जाके पक्षियों को डाल दो, बस चाहे 10 पक्षी खा ले 20 खा ले, आप इसको रोज क्या नीयत बनाओ कि मैंने डालना। अब मैं तो सुना जाऊंगा, पर आपने देखना कि आप, आपके लिए एक सुटेबल कौन सा है, या मैंने एक कुत्ते को एक फुलका जरूर डाल देना, जेब में डाल जाओ, जहां भी कोई नजरा ग्रास टुकड़े डाले, गरम गरम नहीं बचे, जरा ठंडा, गरम गरम इन कुत्तों को पागल कर देता है, कुत्ते पागल हो जाते हैं। इसलिए ऐसा करें जिससे उसका भी पुण्य, बाकियों को भी पुण्य। अच्छा, नंबर दो, नंबर तीन, हाँ कबूतरों के लिए कुछ चारा हम दाने रख ले, जैसे बाजरा होता है, तो मैंने मुट्ठी भर कबूतर को रोज डालनी है। अच्छा, नंबर चार,
किसी अधिकारी को सामने रखो। हाँ, और आप ये मेरे स्वामी जी ने कहा था, गुरुदेव जी ने, मुझे बड़ा प्यारा लगा, आप हर रोज कितना खर्च कर जाती हो? 5 रुपए। अच्छा, आप 10 रुपए रोज। आप कुर्बानी करो, ये गुरु बहुत अच्छा है, कुर्बानी करो। क्या मैं 10 रुपए की सिगरेट रोज पी जाता हूं या कुछ ऐसी? तो अपना जेबी खर्च बचा दो, कल्याण तो तब हो गया ना, कोई अपनी कुर्बानी करेंगे ना। हाँ, तो 10 रुपए किसी अधिकारी को रोज दे दिया करो, चाहे अधिकारी स्टूडेंट है, चाहे अधिकारी कोड़ी है, चाहे अधिकारी को मेरी जो है अनाथ बच्चा है, हाय हाय, कोई भी अधिकारी डिजर्विंग केस, एनीवन हो डिजर्विंग, हो अधिकारी, लेकिन करना क्या है, जेबी खर्च से। मैं मेरा जेबी खर्च आज के बाद बंद, बेटा अपना पॉकेट खर्च जो भी है, हाँ आज के बाद बंद। तो ये जो मैं करती हूं, मैं सिगरेट पीता हूं, आज के बाद लानत मुझे, ये सिगरेट का बचा करके मैं किसी अधिकारी को दूंगा। अच्छा, और जीवन के आखिरी सांस तक दूंगा। बेटी, जो उससे दिल की दुआएं निकलती है ना, जरूर मेरी जबान पर विश्वास करो, भगवान बड़े खुश होते, बड़े प्रसन्न होते। जैसे मैं आपको सुना रहा हूं ना, मैं जानता हूं, मेरी मालिक जानती है, मेरे मालिक कितने खुश होते हैं। इतना तो आदर खुद देते हैं गीता में, मुरब्बत की आंखों का मुझे सारी दुनिया से प्यार है। आप अगर इतना नहीं कर सकते ना सही, लेकिन ये तो कर सकते हैं, कुर्बानी कर सकते हैं कि आप अपने 10 रुपए या 20 रुपए जो भी आप करते हैं बचा लो, अपनी कुर्बानी करके किसी अधिकारी को दे दो, मालिक बड़े प्रसन्न होंगे। ये भी देखने कि वो उसका सदुपयोग करे, उसकी उसका गुड यूज हो, मिस यूज ना करे। हाँ, ये चौथा शुभ दैनिक शुभ कार्य जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे, ये देखना आपने। शाबाश शाबाश, कोई विधवा बहन है, उस बिचारी का गुजारा नहीं हो रहा है, अधिकारिणी दे दो, आप अपनी कुर्बानी करो, हमें तो भगवान रोटी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, सब कुछ दे रही है। ये जीबी खर्च फजूल की बात थी, ऐसे इधर उधर खर्च कर रहे थे, या सिगरेट पीना, ऐसी व्यस्त की बातें, या ये कई बच्चे पान की बातें रहते हैं, बकवास। अब हम कल्याण करना चाहते हैं, हमारे हमें शोभा नहीं देता पान चबाए या सिगरेट पिए, गलत। मैंने भगवान की कृपा से शराब तो कईयों को छुड़ा दिए, इसलिए मैं कह नहीं रहा आज, अगर फिर भी मेरी नजरों से कोई उठ गया है शराब पीते हैं तो आज की बात बिल्कुल बंद। प्रभु बड़े नाराज होते हैं, बड़े नाराज होते हैं, क्योंकि हमने तो निकालो स्तार अध्याय, सतोगुनी खुराक लेनी है, रजोगुनी तमोगुनी। भगवान ने इतनी बड़ी फिलॉसफी के अंदर खुराक के भी 3 भाग किए, वरना किसी ने भी फिलॉसफी के अंदर खुराक को नहीं लिया। पर हमारा हिंदू धर्म कमाल करता है ना, जैसा अन्न वैसा मन, अन्न के स्थूल अंश से हमारा ये ग्रास बॉडी बनती है। बेटी सजनों, जो अन्न हम उससे जो स्थूल भाग है उससे हमारा स्थूल शरीर बनता है, जो अन्न का सूक्ष्म अंश है उससे विचार बनते हैं। कोई काट सकता है तो काटो, कोई काटना चाहती है काटो, हमारे 2 शरीर है, एक ये स्थूल और अंदर जो मन है उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर से ये हार मास चाप बनते हैं और सूक्ष्म से हमारे विचार बनते हैं। इसलिए महापुरुष ने अनुभव करके बताया, जैसा अन्न वैसा मन। तो मेरे ख्याल से शराब कोई नहीं पीता होगा, जहां तक मेरी नजर की गई कईयों की, तो मैंने भगवान से ताकत ले दी, रो पड़ा भगवान के आगे, इनकी छुड़वा दो प्रभु, इनके ये कर दो। एक मेरी मैया हुक्की पीती थी छोटी सी, वो भी मेरी मैया ने हुक्की छोड़ दी, शाबाश। और भी क्या क्या बताऊं, वो मैया सिगरेट पीती थी, ए बाबा ना बताई, नहीं बताता कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। मेरी कुर्बानी करने वाले मैं कितनों को बताऊं, 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल दर्जन के लगभग जो शराब पीते थे। हाँ जी, एक पर मुझे थोड़ा सा शक है, नीचे नजर कर ले, कभी कभी पी लेता है, वरना बाकी को सबको मेरे प्रभु ने ताकत दे दी। काका शोभा नहीं देता ना, जब हम रब के प्यारे बनते हैं, ये तो उनको शोभा देता है जो जहान के प्यारे हो। अब हम रब के प्यारे बन के कल्याण करना चाहते हैं, हमें नहीं शोभा देता। शादी के पहले जैसे भी आपके मित्र थे ही अर्शी, पर शादी के बाद आपको शोभा नहीं देता किसी लड़के के साथ घंटा घंटा बैठ के बातें करना, उचित नहीं देता। शादी हो गई ना, उसके साथ मस्त नहीं सकेगी।
हाँ, इसलिए हम अपने प्यारे बन के कल्याण करना चाहता है ना, हाँ हमें शोभा नहीं देता कि गंदे मंदे खाए गंदे मंदे पिए, ये हमारी डिग्निटी की बिलो है, भगवान नाराज होते हैं। इसलिए खाना पीना आपका अच्छा है। ये मेरे नजरों में एक बहन आ रही है, चूंकि मैं एकाग्र होकर बैठ गया हूं, अभी भी आप अंडे खाती है, बेटी छोड़ दो, अंडे सख्त गर्म होते हैं जिससे आपका मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। हाउ आर यू मे ट्राई, अंडे को आलू ना समझा करो, भगवान नाराज होते हैं। ये इस पर हमारा अधिकार नहीं, इस पर मुर्गी का अधिकार है। न मेरी बेटी, मेरी वाणी पे विश्वास करो, छोड़ दो। इस तरह जरा अपनी जेब भी खर्च निकालो और किसी अधिकारी को दे दो। ये हो गया नोबल एक्टिविटी एवरी डे, ये करते अशुभ भावना, इससे आपकी साधना में उन्नति हो जाएगी, अंदर वाला खुश हो जाएगा। हमारे अंदर कौन चला रहा है? भगवान की शक्ति, वो खुश हो जाती है जब हम उन्हीं के नाम पर अपनी कुर्बानी करके हाँ, किसी को, किसी अधिकारी को, ये मैं बार बार कह रहा हूं, किसी डिजर्वर को, अधिकारी को, जो मुस्तहिक को, उसके उसको दीजिए। उधर गीता कह रही है देश काल पात्र देख के, देश काल पात्र देख के दान दीजिए, तो वो सतोगुण दान मानते हैं मेरे प्रभु। सतोगुण दान वही है जिसको दे उससे खिदमत ना ले। मेरा देना कर्तव्य, कितना अच्छा कहा भगवान ने, दे पर खिदमत ना ले। इवज में हम उससे ले कुछ नहीं, भगवान के नाम पे दे दिया। बाबा और बोल, ये जितने तूने बताया हमारे बस की बात नहीं। अच्छा, इनमें से हम कोई भी नहीं कर सकती, या कोई कह सकता है मेरे भाई कुछ नहीं कर सकते? अच्छा, फिर बताऊं? हाँ, गिन के, ये उंगली कितनी है मेरी बेटी और ये कितनी है, 10 बार गिन के ये कह दिया करो एकांत में बैठ के। अगर जितने मैंने बताया इनमें से कोई भी नहीं कर सकते, या और भी कोई ऐसे शुभ कार्य आपसे नहीं हो सकता, इतनी समर्थता आप में नहीं है, या नारी का चोला है, ऐसी परिस्थितियां ऐसी हैं घर की कि आप इनमें से कोई भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सास जरा कुछ मंगलवार की पैदा हुई है, कुछ दूंगी तो कुछ बुरा बनाएगी, या श्रीमान जी शनिवार को पैदा हुए थे दिन के 12:30 बजे, तो मैं कुछ करूंगी तो जरा अनबन हो जाएगी, या और कुछ गड़बड़ हो सकती है, से एनीवन जो आपके मार्ग में बाधा है और आप उसे डेली नहीं कर सकते, तो लोग फिर हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा हो, 10 बार गिन के प्रातःकाल जाप नहा लेती हैं, जाप कर लेती हैं, उसके बाद व्यास जी कहती हैं 10 बार गिन के अपने मालिक को याद करके सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, हे परमात्मा सबका भला हो। इससे क्या होगा? द्वेष की भावना आपसे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्रोध की भावना हमेशा खत्म हो जाएगी, द्वेष और क्रोध दोनों ही आप से निकल जाएंगे और मन में सबके प्रति प्रेम जाग उठेगा। जब हमने 10-10 बार रोज कहना है सर्वे भवन्तु, नहीं पूरा याद आता ना सही, इतना तो हो सकती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, दाता सब जीवों का भला हो। आप में तो द्वेष गया, आप में से तो क्रोध गया, आपने ये थोड़ा कहा है रामलाल को छोड़ के बाकी सबका भला हो, या उस कुशल्या को छोड़ के बाकी ने भला हो, कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः सबका भला हो, प्रभु जो आपने जीव बनाए इन सबका भला हो, इतना 10 बार कह दिया। कुछ भी वो बाकी कार्य आपसे नहीं हो सकते, लीव असाइड, लेकिन ऐसी गुड फीलिंग तो पैदा करो अपने अंदर, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बड़े अंतर्यामी खुश हो जाती हैं जो इतना कह देता है, अपनी गुड फीलिंग, आजकल गुड फीलिंग ही खत्म होती जा रही है बेटी, हर लड़की लड़के में बैड फीलिंग, अनहेल्दी थॉट्स, बुरा चाहने लग गया, उनको ये नहीं पता लगता कि अगर मैं बुरा चाह रही हूं तो मेरा ही बुरा हो रहा है। इसको मां पुष्पा ने क्या कहा, दिया सलाई की डिबिया में से एक सलाई निकली, हाँ, और वो दिया सलाई की साइड पर रगड़ खा के जल उठी, क्यों? उस घास फूस को आग लगाने के लिए। ये दिया सलाई की डबिया खोली, इसमें से एक सलाई दी, हाँ, इधर हमने सरप्राइज किया और अग्नि प्रकट हो गई, हाँ, तो अग्नि प्रकट होके ये दिया सलाई चली है, बैल
कहां जा रही है? उसको आग लगाने के लिए, आग लगाने के लिए। लेकिन तू जल्दी डर को लल्ली क्यों? मैं सियाणी उसको बताऊंगी कि मेरे अंदर आग है, पर तू अपना सिर साड़ के जा रही है, अपने को तो बचा लेती। बड़ा सा विस्तार से सुन लीजिए, जल्दी बनी ना, अपने को साड़ के दूसरे को साड़ना चाहती है। तो जो आदमी बुरा चाहती है, पहले अपने कलेजे और छाती को आग लगा के दूसरे को बुरा चाह रहे, पहले आग इधर लगी ना। और जब आदमी कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो मानो इधर चंदन का लेप हुआ मेरी छाती पर और उधर भी ठंडक पहुंचेगी। इसलिए इसको हमारे व्यास की शुभ कर्म मानते हैं, इसमें मेरा भी भला और दूसरे का भी भला। क्या कह रही भगवान बारहवें अध्याय में, किसी को भी आजार किसी से भी आजार देता, मेरा प्यारा किसी को दुख नहीं देता ना किसी से दुख लेता। चलो यही शुभ कर्म कर दो। दैनिक पांच रतन में एक रतन क्या आ गया, रोज शुभ कार्य करना। बाबा आ चंगी तूने कही, आ बड़ी सोनी बात, लेकिन कम से कम 10 बार कि मैंने 10 बार, एक बार बोलो ना सर्वे बंतु सुखिना, यो उंगली कार्य करो सर्वे बंतु सुखिना, प्रभु सर्वे बंतु सुखिना, इष्ट देश सर्वे बंतु सुखिना, मेरे अंतर्यामी सर्वे बंतु सुखिना, मेरे सर्वस्व सर्वे बंतु सुखिना, मेरे प्राणनाथ सर्वे बंतु सुखिना, मेरे सर्वव्यापी सर्वे बंतु सुखिना, मेरे गीताधारी सर्वे बंतु सुखिना, सबका भला करने वाले दाता सर्वे बंतु। इससे मेरे कल तुम 5 मिनट लगे, इससे 10 बार एक एक उंगली दबाता गया और गिनता गया, एक एक उंगली पर हाथ रख के आ गया जितो से जाओ। क्या है ये बाबा? हमारे पंच हिंदू धर्म के पंच रत्न का चौथा रत्न दैनिक शुभ कार्य। इसके हृदय क्या बनेगा? दैनिक शुभ कार्य, एक शुभ कार्य रोज होता जाए। इसके मालिक बड़े प्रसन्न, बहुत ही प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। या जिस पर अपने मेरे गुरुदेव स्वामी रामचंद्र जी महाराज बड़ा जोर देते थे, क्या क्या आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये शुभ कार्य करे? क्या भगवान ने 12वां अध्याय भक्ति का सुनाया, उसमें भक्तों के लक्षण सुनाए और इतने प्यार भरे शब्दों में कहा वही आए मेरा भक्त प्यारा मुझे, फिर इसमें श्लोक में कहा जो इन गुणों को अपना के मेरी भक्ति को जवान रखेगा, जो करते हैं कायम ये, जो इस धर्म को बनाए रखेंगे, ये भी बड़ा भारी पुण्य है कोई आपको देख के भगत बन जाए। ये कब होगा? जब हम भगवान की भक्ति को अपनाएंगे तभी तो कोई भक्त बनेगा ना। कोई श्याम सुंदर को देखकर उसमें अपनी भक्ति जगा ले, कब? जब भगवान जी ने जो कहा है उसको भक्ति को अपना रही होगी, हाँ तभी तो कोई हमें देख करके अपनी भक्ति की प्रेरणा ले लेगा। डाकू को देख के कोई डाकू बनता है, चोर को देख के कोई चोर बनता है, और भगत को देख के कोई भक्ति करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये भी बड़ा शुभ है, इसलिए भगवान ने कहा जो करते हैं कायम ये, मेरे जो इस धर्म को बनाए रखेंगे, मेरे जो इस धर्म को चलाए रखेंगे। जैसे मां बाप चाहते हैं हमारी पीढ़ी चलती रहे, हमारा खानदान चलता रहे, हमारा वंश डूबे नहीं, हमारा वंश चलता रहे, तब शादियां करती हैं, बच्चे बनाती हैं, ये वो, हमारा वंश तो चल जाए। इस तरह भगवान भी चाहती है कि जीव अपने कल्याण के लिए मेरी भक्ति की राह को बनाए रखे, वरना हमारा कल्याण कैसे होगा? अगर ये राह नहीं बनी रहेगी, अगर स्वामी जी ना होते, विवेकानंद ना होता, 20वीं शताब्दी में शिवानंद जी ना होते, या बाकी महापुरुष स्वामी चिन्मयानंद जी ना होते, तो हमें कौन जगाता, हमें कौन उठाता? उन्होंने भगवान की राह बनाए रखी ना, तब पीछे आने वाले हमारे जैसे भी उनके पग चरणों पर भाग उठे। अब आप अगर ये बनाए रखेंगे तो कई आपसे प्रेरणा ले लेंगे। कितना बड़ा पुण्य है ये भगवान की भक्ति की राह को बनाए रखना, समझे? महाराज जी की भक्ति की राह को बनाए रखना। मीरा हुई, मीरा के बाद कमैती बाई हुई, सुखो बाई हुई, राह बनती आ रही है ना। और आजकल 20वीं शताब्दी में चोटी की भक्ति की राह को बनाने वाली हमारे रामकृष्ण परमहंस जी की श्रीमती मां शारदा हुई, हाँ इससे बढ़कर अभी तक कोई पैदा नहीं हुई इस 20वीं शताब्दी में, कह रहा हूं जो 20वीं शताब्दी जिसके 5 साल और रह गए हैं, कमाल कर दिया। इसके पतिदेव रामकृष्ण परमहंस ने भी गजब ढा दिया, पत्नी ने भी कमाल कर दिया।
मां शारदा की जीवनी पे पढ़िए, क्या गजब। तो उस राग को बनाए रखा ना, तो प्रभु कितने खुश होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं। ये हो सके तो फिर तो बहुत बड़ा भारी पुण्य है, जो करते हैं कायम ये यकीन से, जो रखती हैं सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त कहें। उनके लिए तो कहा वो है वही है प्यारा मुझे, और इनके लिए कह रहे वही भक्त है सबसे। उधर मूल शब्द क्या है भगवान के, बीसवें श्लोक के अंतिम शब्द क्या है, बीसवें श्लोक के अंतिम शब्द ते अतीव शब्द है खुद रही हिंदी का अतीव या संस्कृत का अतीव के बाद तो कोई शब्द ही कोई नहीं। अंग्रेजी वालों भगवान क्या कह रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली डियर टू मी। पहले कहते हैं डियर टू मी, दोस डिवोटी डियर टू मी, और इसके जो इस धर्म को बनाए रखते हैं भक्ति को, उनके लिए शब्द लगाया एक्सट्रीमली डियर टू मी। इसके बाद तो कोई शब्द ही नहीं होता अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का। अगर आप किसी को कहती है यू आर एक्सट्रीमली डियर, इसके बाद क्या कहोगे, इसके बाद तो आपका मन गीला हो जाएगा। अगर आप किसी को कहते पुत्र यू आर एक्सट्रीमली डियर टू मी, तेरा पति तो तेरा बाप तो मुझे प्यारा था पर तू तो उससे भी आगे निकल गया, इसके बाद शब्द को नहीं सिवाय छाती के लगा लेने के। हाँ इस तरह भगवान कह रहे हैं जो मेरी इस राह को बनाए रखती है दोज लक्की सोल एक्सट्रीमली डियर टू मी। हाय बहुत प्यारे शब्द कहा भगवान ने, अतीव में प्रिया। भगवान करे आपको गीता सुना रहा हूं, बड़े चिरकाल से सुना रहा हूं, 40-45 साल होने वाले आपको सुनाते सुनाते। आप इस भक्ति की राह को बनाए रखो अपने जीवन द्वारा, जबान से मत कहिए किसी को, क्योंकि दुनिया अमल से नापती है बात से नहीं। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, आपकी ये एग्जाम्पल बनी रहे, अनेक आपको देख करके भगवान के प्यारे बन जाए, ये राह आपके द्वारा, ये सबसे बड़ा पुण्य है इसके लिए दैनिक जीवन में सबसे बड़ा पुण्य कि भगवान की भक्ति की राह को बनाए रखे अपने जीवन द्वारा, भक्त बनते हुए, भक्ति करते हुए, अपने को नेक बनाते हुए, गुणों से लैस होते हुए। परमात्मा आपको तौफीक दे। ये हमारा चौथा है क्या, दैनिक शुभ कार्य। कोई एक पकड़ लो कि आपसे कोई ऐसा शुभ कार्य हो जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे। बेटे मैं खामोशी ले रहा हूं, कोई आप सोच के अब आरती उतारिए घर जाइए, लेकिन पक्का इरादा कर लो कि आप द्वारा एक कोई ना कोई रोज, मैंने कई गिना दिए और भी कई हो सकते हैं, मैंने तो इशारे कर दिए, आउटलाइन ड्रॉ कर दिए हैं, जो आपसे रोज हो जिससे कि उधर से शुभ भावनाएं मिले, आपको गुड विशेष मिले दूसरे से। मेरे मालिक बड़े खुश, मेरे इष्टदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं जिससे अनेकों के लाभ के लिए कुछ शुभ कार्य हो रहा हो, अनेकों के लाभ के लिए कुछ शुभ कार्य हो रहा हो, प्रभु बड़े प्रसन्न। परमात्मा करे ऐसा शुभ कार्य आपसे हो, तो ऐसा शुभ कार्य चले जिससे मेरे मालिक प्रसन्न रहे, और रोज हो, ये नहीं 10 दिन में, कह रहा हूं जिंदगी के आखिरी सांस तक वो शुभ कार्य करते रहिए। ये था हमारा चौथा पंच रत्न में से चौथा रत्न, जरूर अपने अंदर टटोलना। फिर मैं कह दूं पहला रतन प्रातःकाल उठना, भगवान के चरणों में हाजिर देना, ठीक। दूसरा रतन भगवान का चिंतन सदैव हर समय करते रहना, मन और चिंतन न करे, बिल्कुल बाबा ठीक। तीसरा गीता जी का एक गुण अपना लेना, 12वें अध्याय के अनेक गुणों में से एक गुण अपना बना लेना। चौथा क्या, दैनिक शुभ कार्य। ये थे हमारे हिंदू धर्म के पंच रत्न में से चार रत्न। परमात्मा ताकत दे और आप अपनाते रहे, आप जीवन में ढालते रहे। मालिक ते भरोसा रख बंदिया, मालिक ते भरोसा रख बंदिया, जाओ तेरा बिगड़ेगा नहीं कख बंदिया, हाय हाय। और
ओए मालिक ते भरोसा रख बंदिया, मालिक ते भरोसा रख बंदिया, जाओ इश्ते जाओ। तेरा बिगड़ेगा नहीं कख बंदिया, तेरा बिगड़ेगा नहीं कख बंदिया। बड़े प्रेम से ओ भावे दुश्मन हो वन लख बंदिया, भावे दुश्मन हो वन लख बंदिया, जा प्रेम प्याला चख बंदिया, आ प्रेम प्याला चख बंदिया, भक्ति का प्याला। वाह वाह वाह, मालिक ते भरोसा रख बंदिया, तेरा बिगड़ेगा नहीं कख बंदिया। वाह वाह मेरी बेटी, वाह वाह सजनो, ओए मालिक ते भरोसा रख बंदिया, तेरा बिगड़े गा नहीं कख बंदिया। भावे दुश्मन हो वन लख बंदिया, आ प्रेम पियाला चख बंदिया, और भावे दुश्मन हो वन लख बंदिया, आ प्रेम पियाला चख बंदिया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ओए मालिक ते भरोसा रख बंदिया, मालिक ते भरोसा रख बंदिया, जाओ जाओ। ओ तेरा बिगड़ेगा नहीं कख बंदिया, तेरा बिगड़ेगा नहीं कख बंदिया, ओए भावे दुश्मन हो वन लख बंदिया, भावे दुश्मन हो वन लख बंदिया, बहुत अच्छे। ओए आ प्रेम पियाला चख बंदिया, आ प्रेम पियाला चख बंदिया, जरा इस पाठ को अपने आप बोलो, शुरू कर दो। वाह और बहुत अच्छे, ओए होए हाय हाय, दोबारा बहुत अच्छे, हाय हाय बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सुन लो प्रभु जी सुन लो एक बारी फिर, बहुत अच्छे सारे शामिल हो जाओ सब, बहुत अच्छे, हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
वले भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरोगिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवशात् हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफर करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।